आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आरडीपी कैसे क्रिएट करनी है। यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने आरडीपी क्रिएट करने से पहले जो पैनल क्रिएट किया जाता है वो कैसे क्रिएट करना है, ताकि आपके पास कम से कम 1 महीने की 2-3 आरडीपी इजीली अवेलेबल हो। इसको आपने कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर रिक्वायर्ड होंगी, आज की वीडियो में मैं आपके सामने विद प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको आरडीपी परचेजिंग में या बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज की वीडियो उनके लिए है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने इसको एक लाइक जरूर करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जिनको नहीं पता कि आरडीपी क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो चेक कर ले, आपको समझ आ जाएगा कि आरडीपी क्या है और किस लिए यूज होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट अजोर के पोर्टल पे आ जाना है और यहां पे आके आपने एक अकाउंट बनाना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, और आपने यहाँ पे जीमेल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा क्रिएट फ्री अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अजोर का फ्री अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके ऊपर हमें $200 फ्री का क्रेडिट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने आके अपना जीमेल लगाना है, अगर आप डायरेक्ट जीमेल लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअल भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैन्युअली ऐड करेंगे ताकि आपको आसानी हो सके। यहाँ पे आपने जीमेल और पासवर्ड लगा देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह लिख लेना है और यहाँ पे यूजर नेम वगैरह आपने लिख लेना है। आप कोई भी यूजर नेम लिख सकते हैं, ये नहीं है कि आप ओरिजिनल ही यूज करें, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कंट्री मांगेगा, आप यहाँ पे कोई भी कंट्री लगा लें, लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि वो कंट्री लगानी है जिसका आपके पास मोबाइल नंबर हो या जिस कंट्री में आप रहते हो। आप पाकिस्तान का भी यूज कर सकते हैं और इंडिया का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके ईमेल पे कोड चला जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे पुट करना है। तो ये देखिए, ये हमें वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने वापस जाना है और वापस जाके आपने वो वाला कोड यहाँ पे पुट कर देना है और ओके कर देना है, तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना, आपका जब पोर्टल बन जाए तो आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल मतलब कंप्लीट कर लेनी है, और इस प्रोफाइल के ऊपर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर और वो वाला फोन नंबर डालना है जिसके ऊपर आपने वेरिफिकेशन कोड लेना है। आप पाकिस्तानी भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, अगर आपके पास पाकिस्तानी नहीं है या आपने वो पहले ही यूज कर लिया तो आप कोई और नंबर यूज करें, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे चेक ऑन करके नीचे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे तो हम यूएई का सिलेक्ट करने जा रहे हैं, यूएई का हमने नंबर डाला है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे वो डाल देना है अपना फ़ोन नंबर, और उसके बाद इसको दोबारा री इंटर यहाँ पे कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स में कोड आ जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, जो कि आपने अपने मोबाइल नंबर पर मतलब आएगा, उसको आपने यहाँ पे पुट करना है। और पुट करने के बाद आपने यहाँ से अपना अकाउंट और अपनी प्रोफाइल कन्फर्म कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मतलब आपका एड्रेस वगैरह, आपकी सिटी, होम वगैरह, आपने वो फिल कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप फेक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप ओरिजिनल ही यूज करें ताकि आपको कोई इशू ना हो, आपका जो पैनल बने ना वो 100% ओके बने। बाज़ का तो ये होता है कि आप जब फेक वगैरह डालते हो काम तो चल जाता है वो, लेकिन वो पैनल जल्दी ही डिसेबल हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर जितनी भी आरडीपीज आपने बनाई होती है ना वो आपकी रन नहीं करती। तो यहाँ पे आपने एड्रेस वगैरह डाल देना है, मैं अब यहाँ पे मतलब जल्दी से एड्रेस डाल देता हूँ ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, फिर हम मतलब जब हम ये पैनल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आरडीपी बनाना सिखाऊंगा कि पैनल क्रिएट करने के बाद आपने आरडीपी कैसे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उसी स्टेट की यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस 1, एड्रेस 2, और उसके बाद आपने उसका पोस्टल कोड वगैरह भी डालना है जो कि आप गूगल से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चेक कर लें, मैं सिटी भी लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाऊँगा। तो आप चेक कर सकते हैं हमने सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ये यहाँ से ना वो मतलब जिस जो भी हमने सिटी डाली है ना उसका पोस्टल कोड हमने यहाँ पे डालना है। तो हम गूगल कर लेते हैं, यहाँ पे गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे उसका पोस्टल कोड सर्च करेंगे और उसके बाद उस पोस्टल कोड को हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको कन्फर्म करके अपना मतलब पैनल और अपनी प्रोफाइल
प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं, हमने कॉपी कर लिया इसको, मतलब यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ये वाला भी ऑप्शन आपने ऑन कर देना है, ये वाला भी, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे आप डन करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे ये तीन चेक भी ऑन करने हैं और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि आपका जो एड्रेस आपने डाला है वो सारा ये वाला है, हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो जैसे आप कहेंगे ना यस वेरीफाई, तो ये थोड़ी सी सर्चिंग करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये सर्चिंग करेगा उसके बाद 1 से 2 मिनट ये आपसे ले सकता है, ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपने वेट करना है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको क्रिएट करने देना है, क्योंकि ये पोर्टल है तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये पेमेंट मेथड मांगेगा। अब पेमेंट मेथड में आपने कोई भी कार्ड ऐड करना होगा जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ $1 कम अज़ कम उसके अंदर क्रेडिट पड़ा हो, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप मेज़ान बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई ऐसा बैंक जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की इजाज़त देता है, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। तो पाकिस्तान में मेज़ान इसकी इजाज़त देता है, आपने वो वाला बैंक यहाँ से ऐड कर लेना है। उसका मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ, VCC सब कुछ आपने ओरिजिनल डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फेक नहीं डालना, अगर आप फेक डालेंगे तो आपका पैनल क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, उसके बाद सिंपल मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पैनल क्रिएट हो जाएगा और प्रोफाइल भी डन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे RDP बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने सारे मतलब इसके साथ लॉग इन कर लिया और उसके बाद इसको मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ आपने मतलब चेक वगैरह ओके करके इनको सबमिट कर देना है तो आपका ये रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये खुद ब खुद ही आपको रीडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पे ये देखिए, हमारे पैनल के होम पेज पे हम आ गए हैं, डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से आपने RDP क्रिएट करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ये चेक कर लें कोई भी मतलब हमारे पास ना वर्चुअल मशीन अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ से क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने जिस बंदे के नाम की RDP बनानी है आपने वही नाम लिखना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे तारिक भाई लिख लेता हूँ। आप अपना नाम या कोई भी नाम लिख सकते हैं, नाम से कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये नाम आपने याद रखना है, जब हम RDP लॉग इन करेंगे तो इस नाम की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब नीचे आपने ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वही नाम दोबारा एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। उसके बाद आपने टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना है थोड़ा सा नीचे आके, तो टाइम जोन आपने USA वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप USA से हट के पाकिस्तानी, इंडियन या UAE की मतलब RDP बनाना चाहते हैं तो आपने उसी का ही टाइम जोन या उसकी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा अपना वही नाम एंटर करना है जो कि आप RDP का रखना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे आके वो नाम दोबारा लिख लेना है और उसके बाद नीचे आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा लेना है। तो बहुत ही आसान से स्टेप है, इतना मुश्किल नहीं है। 1 से 2 दफा अगर आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको सारे स्टेप इजीली समझ आ जाएंगे। उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे लगाना है और आपकी RDP क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चेक फिल कर लेना है और राइट कोने से अपने उसी पासवर्ड को आपने नेवर या सेव अपनी मर्जी से कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद हम इसको लॉग इन करके भी चेक करेंगे कि ये वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो जैसे ये RDP हमारी क्रिएट होती है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग प्रोसेस है और इसके अंदर हमें $200 का क्रेडिट मिला हुआ है और 200 क्रेडिट से हम मतलब 5-6 RDPs आसानी से बना सकते हैं जो कि मतलब 4 कोर और 8 GB की RDP वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें, हमारी एक RDP यहाँ पे बन चुकी है, हम इसको सेव कर लेते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी, इसका पासवर्ड, इसकी IP एड्रेस और इसका नाम वगैरह। तो सिंपल हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको हाइड इसलिए किया हुआ है ताकि ये मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे RDP को लॉग इन करते हैं ना, सिंपल आपने उसी तरह इसको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आ चुका है हमारे सामने, मैं इसको कॉपी करके सिंपल वहाँ पे अपने सिस्टम में लॉग इन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे ये आने के बाद मैं इसको सिंपल नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसको IP एड्रेस को कॉपी करूंगा और IP को कॉपी करने के बाद मैं अपनी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ऑन करूंगा और वो IP यहाँ पे पुट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं यूजर नेम जो कि हमने डाला होगा वो हमने डालना है और उसके बाद जो हमने पासवर्ड डाला है वो हमने डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो दोनों चीजें डालनी है और डालने के बाद आपकी RDP सिंपल लॉगिन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने RDP क्रिएट करनी है और इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा से आपके सामने लॉगिन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अभी आपके सामने हमने एक RDP बनाई है, उसका यूजर नेम यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसके बाद उसका पासवर्ड भी हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं इसलिए स्किप नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप इजिली इस
प्रोसेस को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमारी आरडीपी लॉगिन हो चुकी है। मतलब यहाँ पे हमारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सही डाली हुई है और हमारी आरडीपी लॉगिन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने आरडीपी बनानी है, और इस तरीके से आपने आरडीपी बनाने के बाद उसके अंदर पेजेस लेके जाने हैं और उनको मैनेज करना है। होप्स होगी ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है या थोड़ा सा मतलब ना समझने वाली चीज़ है, तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप आसानी से अपनी आरडीपी घर में रहते हुए बना सकते हैं। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक नए बंदे के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आप अगर वीडियो मजीद देखना चाहते हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।